वार्ड नंबर 34 से भाजपा प्रत्याशी महादेव सेनी ने चुनावी कार्यालय का शुभारंभ कर दिया है। पूर्व विधायक रामहित सिंह यादव के साथ आए बनवारी लाल सिंघल पूर्व विधायक ने फीता काट कर कार्यालय का उद्घाटन किया। सर, आज हमने कार्यालय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। श्री बनवारी लाल सिंघल साहब पूर्व विधायक अलवर और पूर्व विधायक श्री रामेश जी यादव के द्वारा किया गया और हमारे एक छोटे से निवेदन पर 11 बजे ही पूरी पब्लिक पूरे वार्डवासी यहाँ इंतजार में है। सब अभी किया है जो आप देख रहे हैं, कितना जन सैलाब मेरे साथ है और विकास कार्यों के बदौलत ये पूरा जन सैलाब मेरे साथ लगा हुआ है और हम एक ऐसी जीत हासिल करेंगे मिसाल बनेगी। जो नगर पालिका खैरतल के वार्ड संख्या 34 से भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे महादेव सेनी ने अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया है। कार्यालय उद्घाटन में पहुंचे बनवारी लाल सिंघल पूर्व विधायक अलवर शहर और रामहित सिंह यादव पूर्व विधायक किशनगढ़ बास ने मतदाताओं को संबोधित करते हुए महादेव सेनी के पक्ष में वोट डालने की अपील की है। देखो भाई, आपने महादेव जी को खूब अच्छे से देख रखा है, रामहित जी को खूब अच्छे से देख रखा है, खूब विकास की गंगा भाई है। महादेव जी ने भी आपके बीच में रहकर खूब काम किया है। मुझको यहाँ आने का अवसर मिला है, इतनी जोरदार संख्या में हमारी माताएं बहनें आई हैं, हमारे बुजुर्ग आए हैं, बढ़िया आदमी है। मैंने भी रामेश जी से पूछा, भाई महादेव जी से कभी मुलाकात नहीं हुई, बोला बहुत बढ़िया आदमी है, सबके बीच में लोकप्रिय है। मेरा तो यही कहना है कि आपका अपना बोर्ड बने, बढ़िया तरीके से काम हो, आगे चल के किसी भी तरह के काम नहीं रुके। पानी के लिए आपने कहा था तो 53 करोड़ रुपए सैंक्शन करा दिए। आप आज भी देख लो, उधर मंदिर के पीछे हमने टंकी बनाने की घोषणा करके मुहूर्त किया था। बिल्कुल, लेकिन सर आज वो ठप पड़ी। अरे आप सुनो सेना, पूरी बात सुन ले उनकी जो अब उसमें क्या हुआ कि जैसे ही हम बने हमारा राज चला गया, उद्घाटन करते ही यहाँ झगड़ा हो गया। एमएलए साहब के मिलने वाले कहते हैं कि भाई पानी की टंकी मैं बनाऊंगा, नल में दाबूंगा, पाइप में डालूंगा, खड्डे में खोदूंगा, बोरिंग मैं करूंगा और बोरिंग मैं करूंगा। ठेकेदार कहता है तू तो करके पैसे ले जाएगा और ये टंकी 3 महीने में गिर जाएगी, तो मैं तो जेल जाऊंगा ना, इसलिए ये टंकी नहीं बन पाई थी। अगर आपने फिर महादेव को जिताया, हमारा बोर्ड बना, तो मेरी जिम्मेदारी है इस टंकी को यहीं बनवा करके और आपके पानी की एक समस्या है उसको मैं समाधान करवाऊंगा। हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। मेवात की तमाम अहम खबरों के लिए मेवात टाइम्स टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें।